Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So guys, I'm back with another video. तो so, टाइटल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा आज की वीडियो होने वाली है अबाउट बेसिक एंड अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स डेट एवरी टीनेजर शुड ओवन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इसेंशियल्स मेकअप प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि हर टीनेजर गर्ल के पास होना चाहिए क्या अगर आप लोग ये मेकअप प्रोडक्ट्स बाय कर लो ना स्पेशली अगर आप लोग टीनेजर स्कूल गोइंग या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हो तो आप लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी ये मेकअप प्रोडक्ट्स बाय कर लोगे तो आप लोगों को दूसरे मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे आप लोग सिंपल कैजुअल फॉर्मल मेकअप लुक कर सकते हो ईजिली तो आप लोगों की लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेस गेट स्टार्टेड सो सबसे पहले जो चीज़ एवरी टीनेजर के पास होनी चाहिए वो है मिस रोज का कंसीलर दिस इज़ रियली रियली गुड कंसीलर गाइज ये एवरी टीन एजर गर्ल के पास होना चाहिए इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों के डार्क सर्किल्स डार्क स्पॉट्स हाइड हो जाएंगे तो अगर आप लोगों को डेली रूटीन में मेकअप करना हो तो जस्ट हाइड यूअर डार्क सर्किल्स मास्क एंड डार्क स्पॉट्स वो इस कंसीलर से आप लोग हाइड कर सकते हो जहाँ पर भी आप लोगों को मार्क्स डार्क स्पॉट्स वगैरह है वहाँ पर आप लोग इस कंसीलर को लगा लो ब्लेंड कर लो आप लोगों के मार्क्स वगैरह हाइड हो जाएंगे डार्क सर्किल्स को हाइड करना चाहते हो तो आप लोग डार्क सर्किल्स पर भी लगा लो इससे हाइड हो जाएंगे एंड कैजुअली फॉर्मल मेकअप करना चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कंसीलर अप्लाई कर लो फाउंडेशन की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी एंड थोड़ा सा ज़्यादा कंसीलर लगा के उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लो इससे आप लोगों का बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा अट डेली रूटीन में ज़्यादा नहीं अप्लाई करना जहाँ पर भी आप लोगों को मार्क्स हैं वहाँ पर जस्ट अप्लाई करना है आप लोगों ने तो जी नेक्स्ट चीज़ जो कि हर लड़की के पास होनी चाहिए हर टीनेजर यूनिक गोइंग स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल के पास होनी चाहिए वो है कॉम्पैक्ट पाउडर गाइस कॉम्पैक्ट पाउडर आप लोग ने डेली रूटीन में नहीं यूज़ करना है अगर आप लोग फॉर्मल कैजुअल मेकअप लुक करना चाहते हैं तो ये आप लोग यूज़ करें बट डेली रूटीन में आप लोग मत यूज़ करें ओनली कंसीलर यूज़ करें अपने डार्क स्पॉट्स जहाँ पर भी हैं मार्क्स वगैरह है वहाँ पर ओनली कंसीलर यूज ओके सो थर्ड चीज़ जो कि एवरी टीन के पास होनी चाहिए वो है आईब्रो पेंसिल इससे आप लोग आईब्रो को फिल कर सकते हो अगर आप लोग कैजुअली मेकअप करें तो इससे आप लोग इजीली सीमो की आई लुक क्रिएट कर सकते हो या फिर आई भी इससे ईजिली लगा सकते हो आप लोग तो आप लोग एक प्रोडक्ट का मल्टीपुल यूज़ कर सकते हो सो गाइज आईब्रोज को फिल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेली रूटीन में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये हमारी लुक को थोड़ा सा चेंज कर देता है ना हमारा लुक जो होता है वो बहुत ही अच्छा आता है ओके सो नेक्स्ट चीज़ है मस्कारा गाइस मस्कारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मस्कारा से आईज बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी लगती हैं आई जब बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो इससे आई लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है तो मस्कारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सो so, मस्कारा एवरी टीन गर्ल के पास ज़रूर होना चाहिए एंड आप लोग अपने मेकअप किट में मस्कारा को लाजमी ऐड करें क्योंकि इससे आप लोगों का आई लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है आइज पर कुछ भी मत लगाएं ओनली मस्कारा लगा लें आप लोगों का आई लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा क्या इस वीडियो में मैंने आई शेडो पैलेट वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि टीन में मेकअप की नीड नहीं होती इतनी ज़्यादा क्योंकि टीन में हमें सिंपल मेकअप ही रखना चाहिए मैं तो सिंपल मेकअप रखती हूँ एंड मैं ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इन प्रोडक्ट्स को शेयर किया तो आप लोग इन प्रोडक्ट्स को बाय कर लें आप लोगों की लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी ओके सो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लिपस्टिक लिपस्टिक में आप लोग लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं लिप एंड चिक टेंट भी यूज़ कर सकते हैं लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं एवरीडे में लिपस्टिक या फिर लिक्विड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है आप लोग क्या यूज़ करना चाहते हो आप लोग इस तरीके की लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं एवरीडे में साइंटिस को आप लोग ईजिली आइज पर भी लगा सकते हैं क्योंकि अगर आप लोग कहीं फॉर्मल लुक करना चाहते हैं या फिर कैजुअल लुक करना चाहते हैं तो आप लोग इससे कलरफुल आई लाइनर भी ड्रा कर सकते हैं लिप्स पर भी लगा सकते हैं अच्छा एंड ये शेड भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ओके okay, सो so इसके बाद अगेन मेरे पास ये फिट मी की लिप लाइनर है ये लिप लाइनर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसका जो लुक आता है लिप्स पर मेट लुक वो बहुत ही अच्छा आता है इसकी फिनिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है आप लोग भी इस तरीके के लिप लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं एज यू कैन सी एंड इसमें ज़्यादा न्यूड शेड्स आते हैं एंड न्यूड शेड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है आई लव इट ओके सो नेक्स्ट लिप बाम भी यूज़ कर सकते हो एवरी में लिक्योर लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो बट लिप बाम डेली रूटीन में यूज़ करोगे ये तो ज़्यादा बेटर रहेगा अच्छा इसमें मैंने अलग से ब्लश नहीं ऐड किया आप लोग लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरीके का लिप एंड चिक टेंट यूज़ कर सकते हो आप लोग लिप टेंट को एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो मैं एवरीडे डे में लिप टेंट यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इससे लिप्स की केयर भी होती है एंड एज अ ब्लश भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड लिप्स पर बहुत ही प्यारा सा कलर भी आता है नेचुरली कलर आता है मेकअप भी नेचुरली सिंपल बहुत ही प्यारा लगता है सो so, मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग टेंट लें क्योंकि इसको आप लोग लिप्स पर भी यूज कर सकते हो एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हो एंड फॉर्मल मेकअप कैजुअल मेकअप में आप लोग आईज पर भी यूज कर सकते हो सो so, इससे आप लोगों का बहुत ही पिंक एंड प्यारा सा लुक आ जाएगा बट अगर आप लोग अर्ली टीनेजर हो जैसे कि ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन वाले हो तो आप लोग अपने फेस पर मेकअप ना करें ओनली टेंट अप्लाई कर लें एंड यंग टीनेजर आप लोग ये वाला मेकअप ले लें जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है क्योंकि जितना कम मेकअप होगा उतने ज़्यादा आप लोग प्रीटी लगोगे हाँ जी तो ये थे बेसिक एंड अफोर्डेबल पाँच छः प्रोडक्ट्स जो कि एवरी टीन एजर गर्ल के पास हर लड़की के पास होने चाहिए अगर आप लोग के पास ये प्रोडक्ट्स होंगे तो आप लोग मेकअप कर सकते हो सिंपल कैजुअल फॉर्मल इजीली मेकअप कर सकते हो एंड आप लोगों को दूसरे मेकअप प्रोडक्ट्स की नींद नहीं पड़ेगी आप लोग ईजिली मेकअप कर पाओगे आई होप आज की वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रही होगी स्पेशली टीन नेचर बिगनर एंड स्कूल कॉलेज यूनि गोइंग गर्ल्स दुस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल विजिट करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय